हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे किस तरह से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइन और कॉस फंक्शन को, या ये कह लीजिए कि हम एम्पलीट्यूड और फेज डिफरेंस से यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से एक साइन वेव और कोसाइन वेव रिप्रेजेंट की जाती है, या किस तरह से फेज डिफरेंस चेंज होने से या एम्पलीट्यूड चेंज होने से वेव का पैटर्न बदलता है। खासतौर पर यह हमारे यूजफुल है जब हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं, या फिर जब हम साउंड के केस में वेव के फेज डिफरेंस को देखते हैं, या जब भी हमें ये देखना हो कि वेव पैटर्न चेंज होने से हमारा क्या होता है। तो आइए अब बात करते हैं किस तरह से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइन एंड वेव फंक्शन के पैटर्न को फेज डिफरेंस और एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में। नाउ जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि हम एम्पलीट्यूड और फेज की जो ये लाइनें यहाँ पर आपको दिख रही हैं, उनमें किस तरह से वेरिएशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड और फेज को यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे कि मैं इस लाइन पर जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पर जो है एम्पलीट्यूड किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में आपका घट बढ़ रहा है। तो एम्पलीट्यूड को घटाने बढ़ाने पर हमारा किस तरह से वेव पैटर्न चेंज होता है वो हम देख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर y इज इक्वल टू के साइन टी प्लस अल्फा नॉट के लिए ग्राफ शो कर रहा हूँ, यानी मैं साइन वेव को शो कर रहा हूँ, तो उसका ग्राफ आप देख सकते हैं कि कैसे एम्पलीट्यूड चेंज होने से हमारा जो पैटर्न है वेव का वो बदल रहा है। इसी तरह से इसी के साथ साथ यदि मैं कोसाइन वेव को भी देखना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि साइन वेव और कोसाइन वेव किस तरह से यहाँ पर अल्टरनेट करती हुई दिखाई दे रही हैं जब एम्पलीट्यूड हम घटा और बढ़ा रहे हैं। तो एम्पलीट्यूड चेंज होने पर आप ये देख सकते हैं साइमल्टेनियसली किस तरह से साइन और कोसाइन वेव का पैटर्न आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो एम्पलीट्यूड का पैटर्न अगर देखें तो किस तरह से उनका बिहेवियर यहाँ पे दिखाई देता है। ये बहुत ही यूजफुल है जानने के लिए कि ग्राफिकली आप कैसे देखेंगे साइन और कोसाइन वेव को, और वहां पर जहां इन दोनों वेव का जो मीटिंग पॉइंट होता है वहां पर ये किस तरह से एक दूसरे से अपोजिट फेज में दिखाई देते हैं।